तो हम जैसे ही जो लोड वाला अगर क्या करते हैं, हाई करते हैं तो इनपुट सेव हो जाएगा, अगर डाटा आउटपुट इनेबल वाला हाई करते हैं तो आउटपुट मिल जाएगा, क्लॉक पल्स जैसे जैसे आता रहेगा पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या होगा, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है आपको ये एक्सप्लेन कर दिया हमने। वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आ गए हम अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की न्यू क्लास में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे पीपो रजिस्टर, यूनिवर्सल रजिस्टर। इसके पहले हम आपको सीसो सीपो एंड पीसो रजिस्टर पढ़ा दिया है, और यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे पीपो और यूनिवर्सल रजिस्टर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पूरे प्लेलिस्ट का क्या है लिंक है, आप जाके देख सकते हैं एक एक वीडियो, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर हम आपको पीपो पढ़ाएंगे। तो ये हमारे पीपो से आप नाम सुनकर ही जान गए होंगे कि पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रहेगा। तो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट हम क्या करते हैं, पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट हम यहाँ पर आपको रजिस्टर बना के दिखाते हैं, और इसको बनाने के बाद क्या करेंगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4D फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे, वो भी पॉजिटिव एज वाला, जो हमारा पॉजिटिव क्लॉक मतलब पॉजिटिव एज क्लॉक पल्स का यूज करें, ऐसा डी फ्लिप फ्लॉप रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया, हमने ये क्या बना दिया है, क्लॉक पल्स बना दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लॉक पल्स दे दिए हैं, और यहाँ पर D0, D1, D2, D3, और ये हमारा Q3, Q2, Q1, Q0, ये हमारे क्या हो गए, आउटपुट हो गए, और ये इनपुट है। इसके लिए हमें क्या करना है, इनपुट देने के लिए मतलब पैरेलल में क्या होना चाहिए, लोड होना चाहिए। मतलब पैरेलल में लोड होने का मतलब एक ही क्लॉक पल्स आए और सभी आउटपुट क्या हो जाए, एक साथ लोड हो जाए। तो एक साथ मतलब एक ही क्लॉक पल्स में लोड होने के लिए सभी पर क्या करना पड़ेगा, हमें सभी डी फ्लिप फ्लॉप पर हमें इनपुट देना होगा, जितने डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट हैं सब पर इनपुट देना होगा। सब पर इनपुट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट इनेबल का मतलब इनपुट को इनेबल करने के लिए एक अलग से इनपुट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, इनेबल करने के लिए इनपुट को, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीधा सीधा लोड, मतलब लोड करना है। तो जब ये लोड वाले इनपुट को हाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये ऊपर के जो हमारे 4 गेट दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, जैसे हम लोड वाले इनपुट को क्या करते हैं हाई करते हैं, हमारा लोड वाला इनपुट हाई होते ही ये वाला एंड गेट एक्टिव हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये तीनों एंड गेट एक्टिव होंगे। और यहाँ से जो इनपुट हमने दे रखा है X0, X1, X2, X3, इन तीनों मतलब चारों इनपुट पर जो हमने इनपुट दे रखा बाइनरी वर्ड का, वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सेव होते, यहाँ पर पहले क्लॉक पल्स में ही सेव हो जाएंगे। कैसे सेव होंगे, क्योंकि हमने लोड वाला इनपुट हाई रखा, हाई रखने से हमारे ये वाले एंड गेट क्या है सभी एक्टिव हैं, लेकिन सेव तो हो गए इसमें जाके, लेकिन अब आउटपुट क्या करना है, आउटपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर से एक आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट बनाना पड़ेगा जो कि डाटा आउटपुट इनेबल के नाम से जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा, डाटा आउटपुट इनेबल के नाम से जाना जाएगा। तो हमने क्या किया, डाटा आउटपुट इनेबल के लिए हमने एंड गेट बना दिया है। अब यहाँ से ये हमने बना दिया क्या, डाटा आउटपुट इनेबल, ये हमारा क्या हो गया, डाटा आउटपुट इनेबल हो गया। इसे हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हमने डाटा आउटपुट इनेबल वाला इनपुट क्या किया, हाई करेंगे, जैसे ही हाई करेंगे ये वाला एंड गेट क्या हो जाएंगे, 5, 6, 7, 8 एक्टिव हो जाएंगे। इसके एक्टिव होते ही यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा Q3, Q2, Q1, Q0। मतलब क्या होगा, जब हम लोड वाला इनपुट हाई करेंगे तो हमारा एंड गेट 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएंगे, एक्टिव होंगे। एक्टिव होते ही ये वाला इस पर जो हमने इनपुट अप्लाई कर रखेंगे वो यहाँ पर आके डी फ्लिप फ्लॉप के पहले क्लॉक पल्स में ही सेव हो जाएंगे। तो अब जब दूसरा क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्लॉक पल्स ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब क्लॉक पल्स का जैसे दूसरा पॉजिटिव एज आएगा वो क्या होगा, अगर हम डाटा वाला इनपुट सॉरी डाटा आउटपुट इनेबल कर दिए तो यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। तो हम जैसे ही जो लोड वाला अगर क्या करते हैं हाई करते हैं तो इनपुट सेव हो जाएगा, अगर डाटा आउटपुट इनेबल वाला हाई करते हैं तो आउटपुट मिल जाएगा, क्लॉक पल्स जैसे जैसे आता रहेगा पॉजिटिव एज। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है आपको ये एक्सप्लेन कर दिया हमने। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब
करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप।